ये कि नीचे गया कहता लॉक हो गया और सच में किसी ने हमारा फ्लैट लॉक कर दिया पता नहीं किसी ने हमारा पूरा फ्लैट लॉक कर दिया और मैं नीचे जा I'm on vacation every single day cuz I love my occupation hey, hey, hey I'm on vacation every single day every single day So what's up guys kaise ho sare welcome to my new vlog to aaj kuch alag alag sa lag raha hai camera mein 110% कुछ लग रहा होगा अलग तो मुझे बताओ आपको कैमरे के कलर्स कैसे लग रहे हैं तो गाइज देखो अब क्या सीन है पहले मैं करता था नॉर्मल व्लॉगिंग अब मैंने आपको बताया था ना कि धीरे धीरे हम लेवल करेंगे अपग्रेड तो आज मैंने थोड़ा सा लेवल और अपग्रेड करा है तो कैमरे के जो कलर्स आ रहे हैं ना स्क्रीन पे मतलब जो कलरफुल से बढ़िया से चटक से कलर आ रहे हैं तो मेरे को कमेंट करके बताओ कि कैसे लग रहे हैं यार जो इससे पहले आपने कलर ग्रेड देखा था वो था रूम का अब देखो हम आ चुके हैं आउटडोर पर आउटडोर में जब आप आते हो ना और कलर ग्रेडिंग करते हो मतलब उसका एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है चीज़ें ना मतलब खिल खिल के निकलती हैं अब जैसे मेरी बाइक है रमन है मैं हूँ मैंने लाल जैकेट पहनी है ये मतलब इतने खिल के निकलेगी ना ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही पहना है मतलब इसका रियल रंग ये नहीं होगा थोड़ा फेकनेस होता है उसमें लेकिन ये चीज़ें ना मतलब अट्रैक्टिव सी लगती हैं व्लॉग्स में ना देखो जी अब सीन तो ऐसा हो चुका है जो अपना गोप्रो है ना वो हेलमेट पर तो माउंट हो ही नहीं रहा बिकॉज उसका एंगल ढंग से नहीं आ रहा तो अभी मैंने अमेजोन से एक चीज़ मंगाई है ताकि मैं उसको प्रॉपरली माउंट कर पाऊँ तो अभी हम क्या कर रहे हैं जो ये टैंकी है ना हम टैंकी पे गोप्रो लगा रहे हैं ताकि मैं आपको ना मतलब एक बार ना एक शॉट दिखा सकूं बिकॉज मेरा खुद का मन है कि यार मैंने जरा एक गेड़ी मार कर आऊं बाइक पे और एक ना प्रॉपर सा बढ़िया सा एक सिनेमैटिक शॉट लूं तो गाइस जस्ट वेट करो और जैसे ही वो रेडी होता है सिनेमैटिक शॉट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं So guys, this is my first moto vlog with a better angle. मैंने कैमरा आगे लगा रखा है अभी मेरे पास कैमरे का माइक नहीं है GoPro का अडैप्टर वो मैंने मंगवा रखा है तो जैसे ही वो अडैप्टर आ जाएगा सो हम बाइक चलाते हुए आप लोगों से बातें भी करेंगे जो भी मेरा फ्रेंड होगा अगर टीना होगी मतलब हम मोटो व्लॉग करने वाले हैं बहुत ही तगड़े लेवल पर और पता है जब ये वाला एंगल आता है ना तो ऐसी फीलिंग आती है कि मैं घर पर बैठ के ही बाइक चला रहा हूँ मतलब इसका जो लेवल है ना ये कुछ डिफरेंट ही है तो आप मुझे बताओ कि आपको देखने में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा और कौन कौन एक्साइटेड है प्रॉपर मोटो व्लॉग देखने को क्योंकि तब तो हम यूज़ करने वाले हैं माइक वाइक सब यूज़ करेंगे और सीन ऐसा रहता है जब ये बाइक चलाऊँ ना देखो सब कैसे घूरते हैं कि इसकी आवाज़ ही इतनी रहती है तो अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ और मैंने क्रॉस कर दिया 96 अब मैंने फिर ब्रेक मार दी क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं भगाता हूँ सो गाइस लेट्स कंटिन्यू फिर कैसा शॉट आया एक्सीलेंट एक नंबर ये बस हम ये देख रहे हैं सब लोग मतलब सोच रहे हैं कि यार ऐसा क्या देख रहे हो बाइक में मतलब मजा आ रहा है यार जो भी शॉट आया ना मतलब देख के ना दिल खुश हो गया यार वर्थ इट भाई जी क्या शॉट आया है तो अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ यार अब तो बहुत ही कुछ अमेजिंग आने वाला है मतलब मेरे को तो ऐसी खुशी हो रही है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ इट्स गोना बी लिट तो मैं आ चुका हूँ टीना के घर एंड यू नो व्हाट इज टीना डूइंग टीना इज मेकिंग मैक्रोनी मुझे पहले लगता था कि टीना को कुछ भी कुक करना नहीं आता पर उस दिन जब मैंने इसके हाथ के वो खाए ना कौन सी दाल थी तीनू वो दाल का नहीं बताओ मतलब दाल लिट थी यार मतलब मजा आ गया खा के यार बॉम्बिनोस की मैक्रोनी लीजिए फिर प्याज काटिए ओके गाइस तो मैं अब शेफ भी बन चुकी हूँ तो अब हम खाने पे भी व्लॉग बनाया करेंगे फूड व्लॉगिंग तो हमारे हम अपने चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं भूखे सांड क्या कर रहे हैं गाइस मेरे को एक चीज समझ नहीं आती यार कल टीना व्लॉग में नहीं है आप लोग नीचे कमेंट मार रहे हो कि मेरी टीना से लड़ाई हो गई यार ऐसा कुछ नहीं है मतलब अगर एक दिन बंदा व्लॉग में नहीं आ रहा तो मतलब बंदा बिजी है यार अब आप सोचो मैं जिस दिन एक दिन व्लॉग नहीं डालूंगा तो इसका मतलब थोड़ी मैं कि मैंने व्लॉग चैनल बंद कर दिया तो गाइस थोड़ा कई बार हम बिजी इन कुकिंग चिकन यस्टरडे क्योंकि थोड़ा हम लोग भी बिजी होते हैं अपनी लाइफ में हमारी भी थोड़े पर्सनल काम होते हैं तो हमें कहीं बार ब्रेक लेना पड़ता है जैसे कि आपको लद्दाख वाली वीडियो में पता लगेगा कि ब्रेक लेना कितना इम्पोर्टेंट है क्यों टीना हाँ बिल्कुल वो तो वीडियो है स्पेशल वीडियो सो गाइस पता है हमने अब क्या सोचा है अब हमने सोचा जैसे हम रोज के 3 कमेंट सेलेक्ट करते हैं ना बेस्ट कमेंट
अब से हम वो तीन कमेंट्स इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करेंगे, तो अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। ये है मेरी आईडी साहिबनूर सिंह और ये है टीना छेत्री की आईडी टीना छेत्री, तो जाके फटाफट से फॉलो करो और हैशटैग में SNT व्लॉग्स यूज करना ना भूलना। बेचारी से प्याज नहीं कट रहे, कोई आके हेल्प कर दो यार। ए कुड़ी कौन हंस रही है, कोई आके हेल्प कर दो। सो गाइस मीट आवर फ्रेंड, हाय एवरीवन। सो शी इज आवर फ्रेंड जानवी चौहान, जो आज मेरा साथ देंगी इस डिश में। एक्चुअली मैं साथ नहीं दूंगी, आई एम जस्ट गोना एंटरटेन दीस गाइस एंड मेक देम बिजी। तो आज पता है क्या गाइस, इसने ना हमें बहुत सारे आइडियाज दिए कि यार प्रैंक्स बनाया करो, चैलेंजेस किया करो। ये तो मुझे अभी भी कह रही थी चैलेंज करने को, पर हमने बोला कि आज का कंटेंट अभी जैसा चल रहा है ना, यू शुड कमेंट ऑन दिस वीडियो फॉर रैपिड फायर विद साहिबनूर सिंह एंड टीना छेत्री। आई थिंक दैट और इंटरव्यू कौन लेगा हमारा, मतलब रैपिड फायर कराएगा कौन, जानवी चौहान। ये गाइस मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर आज ये टिकटॉक पे होती ना, इस बंदी के 10 मिलियन, अगर ये दोनों साथ मिलके काम कर रहे होते ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, रॉक कर देते दोनों। लेकिन यू रियली वांट, यू शुड एक्चुअली स्पैम हर इनबॉक्स एंड DMs कि अपनी पुरानी टिकटॉक वीडियोस डाले। आई थिंक दैट्स गोना बी द मोर मोस्ट फेमस, यू नो, यू शुड पोस्ट देम यार। अच्छा गाइस चलो आज इसके बाद ना मैं टीना की वो दिखा रहा हूँ आपको पुरानी वीडियो। तो गाइस जैसे आपने देखा पुरानी वीडियो, तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताओ कि टीना की इंस्टाग्राम की पुरानी वीडियो कैसी थी। टीना आई एम सो सॉरी यार, एम्बैरेस्ड तो नहीं होगा? ठीक है कोई नहीं, सबका होता है, टाइम आता है। छोटे मोटे शहरों में नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटे मोटे हंसते हंसते क्या हो गया, हंसते हंसते क्या होता है, हंसते नहीं, छोटे छोटे शहरों में, बड़ी 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 शहरों में, हास्ते हास्ते क्या बोलते हैं यार वो वर्ड को, छोटे छोटे बड़े शहरों में छोटे मोटे हास्ते होते रहते हैं, हास्ते। ये टीना तो ऐसे हिचकिया मार मार के क्यों हंसती है, अपनी हंसी देखिए कैसे हंसता हूँ मैं। नहीं तो डोरने वाली, शी मेक्स रियली यम्मी मैक्रोनीज भाई, ये सभी अम्मी बनाती है। उस दिन जब बताया मैंने कि मैंने टीना के हाथ का खाना खाया, पहले मुझे लगा था कि ऐसी फालतू खाना बनाती होगी, पर जब मैंने खाया ठंडा था वो, एक नंबर था यार वो। अच्छा गाइज अब बहुत लोग नीचे कमेंट मार रहे हैं कि यार आजकल शहीदी दिवस चल रहा है तो हम लोग क्रिसमस बना रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। गाइज मैं मानता हूँ यार शहीदी दिवस चल रहा है, हम ये चीज़ भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी गुरुद्वारे जाते हैं, हर चीज़ करते हैं, पर गाइज पता है क्या अब चीज़ क्या है यार, ये ना हमारा प्रोफेशन है, दिस इज अ प्रोफेशन टू एंटरटेन यू, है ना टीना? Yes. हमें हर चीज़ करनी होती है। तो गाइज जब कोई ऐसा कमेंट मारता है ना यार, हमें कई बार बुरा लगता है कि मतलब हम वी आर गिविंग सो मच टू द सोसाइटी, टू आवर व्यूअर्स, बट इन द एंड जब अपने ही सपोर्टर्स ऐसा कमेंट मारते हैं तो कई बार बुरा लगता है। तो गाइज अगर आपको लगता है कि हम मतलब उसमें कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, सो वी आर सो सॉरी, बिकॉज यार पता है जो हमारा चैनल है ना वो सबके लिए है, मतलब हमें किसी टारगेटेड ऑडियंस के लिए नहीं बना रहे। This is my favorite. Guys, इतने तो बी प्रैक के गाने सुन के आंसू नहीं आते जितने प्याज काट के आ जाते हैं। टीना ऑलिव ऑयल डालियो, ठीक है, डाइटिंग पे हूँ मैं, समझी? अच्छा ऑलिव ऑयल की वर्जन वाला, वर्जन ऑलिव ऑयल डाली, ठीक है। आप गाड़ी खरीद सकते हो, आप बंगला खरीद सकते हो, टीना 65 लाख का घर खरीद सकती है, पर प्याज खरीदने बहुत ही मतलब मुश्किल है। मैंने पूरे 5 प्याज डाले तो बहुत महंगा सामान बनने वाला है, बहुत ही महंगा, बहुत ही महंगा सौदा हुआ है ये। तो गाइज तब तक हम ये थोड़ा काटते पीटते हैं, थोड़ा सामान को बॉईल करते हैं और अब मिलते हैं सिनेमैटिक शॉट्स में। तो कैसे लगे गाइस, कौन कौन चाहते हैं कि हम ग्रीन चिली चैलेंज करें? यार टीना तेरा काम ही मुक रहा, बहुत काम है यार, इतना टाइम लगता है क्या? बेबलेड गाइस आपको पता है हमारे साथ हो चुका है पोपट, अब टीना बताइए क्या हुआ है।
इसको भी मैं भेज दी कोल्ड ड्रिंक लेने चले जाओ, ये कि नीचे गया कहता लॉक हो गया और सच में किसी ने मेरा फ्लैट लॉक कर दिया। पता नहीं किसी वी कांट गो आउट, किसी ने हमारा पूरा फ्लैट लॉक कर दिया और मैं नीचे जा रहा हूँ। हम आवाज लगाएंगे और हम सोल्यूशन निकाल के रहेंगे। और मतलब हम सोच रहे थे कि हम अपनी वीडियो में प्रैंक करें, किसी ने हमारे साथ ही प्रैंक कर दिया। अब हम अपने साथ प्रैंक करेंगे। इसका टाइटल होगा किसी ने बंद करा टीना छेत्री का फ्लैट। मैं आवाज मारूं? नहीं मैं मारती हूँ। तुम बाहर बताओ, लड़कियों की आवाज वैसे भी बुलंद होती है। साहिब नूर, नो दैट, तुम्हें मुझे पता है तुम्हें देख के फ्लैट बंद किया। आज तुम आयो ना, एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज ओपन द गेट, एक्चुअली समबडी हैज लॉक्ड अस डाउन, आई डोंट नो हु। तू स्टाइल मार ले। So we have asked someone and now he's going to help us. आओ व्लॉग बनाते हैं भाई। तुम आए हो लास्ट में। Thank you so much. Thank you. So finally किसी ने हमारे घर का लॉक खोल दिया। इन लोगों ने बाहर आवाज मारी किसी को। ये लॉक था हमारा। पता नहीं किसने लॉक कर दिया। बैंडेज लेने, डिटॉल लेने और कॉटन लेने, और जैसे मैं ऊपर आया इनको इनके पास ऑलरेडी सब कुछ था। yes, girls have टीना की कटगी आज उंगली। क्योंकि हम बर्तन धोते हैं लड़कियां। तीनू टूट कैसे गया ग्लास? अरे मेरा ग्लास मैं धो रही थी, इसका ये वाला पार्ट टूटा और ये कांच जो है ना, ये कांच घुस गया मेरे हाथ में। फाइनली टीना की मैक्रोनी बन चुकी है और मैं आपको क्या बताऊं यार, इतनी ज्यादा यमी है ना। तो मतलब मैक्रोनी तो हमने खा ली, अब पता हम क्या कर रहे हैं, अब हम डाल रहे हैं इसमें चीज, बिकॉज आई लव चीज। मैं तो हर चीज में चीज डाल देता हूँ, चाहे पराठा हो, चाहे मैगी हो, चाहे कुछ भी हो, चीज होनी जरूरी है। जब तक चीज ना हो ना, तब तक मजा नहीं आता। जैसे टीना व्लॉग में जब तक ना हो मजा नहीं आता ना, तो जब तक किसी भी चीज में चीज ना हो तो मजा नहीं आता। और ये देखो कितना डिलीशियस लग रहा है, आ रहा ना फिर मुंह में पानी। तो नीचे कमेंट करके बताओ कि भाई मुंह में पानी आ रहा है, और टीना जी हमें आपके हाथ की मैक्रोनी खानी है। टीना श्योर गाइस प्लीज हैव इट। देखो कितनी अच्छी है, कैसी लगी फिर मैक्रोनी? कैन यू मेक इट फ्रॉम माय टंग? इज सी गाइस आई एम सो लकी, आई एम हैविंग कैंडल लाइट डिनर विद टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। वाओ आई एम सो लकी ना। और जो टीना ने मैक्रोनी बनाई है ना, मतलब दस रहा चिप कटते चिप चिप करते टीनू, जुलूस करता, हाथ कटता। टीना ने बनाई मैक्रोनी, टीना ने जुलूस करता ते अपने हाथ दा भी जुलूस करता। अबे कॉपीराइट आ जाओ, कॉपीराइट आ गए भाई, हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी भाई, हम गरीब लोग हैं, हमारे पैसे। गाना बंद कर दे। अच्छा कॉपीराइट आ जाएगा, कॉपीराइट गाना बंद कर, क्योंकि अगर उसको पता लग गया ना हमने गाना यूज करा तो हमारा कॉपीराइट आ जाएगा बहुत तगड़ा। चिकन तुम लोग लाइव हो रहे थे क्या? अरे YouTube से देख रहे थे, YouTube में देख रहे थे कि बनाना कैसे है। अच्छा वो लड़का वो चिकन को चिकन कह रहा था, चिकन डालें उसके बाद फिर चिकन कर दिया ना। चिकन को ऐसे करें, अब चिकन को उसने बढ़िया बताया कैसे बनाना होममेड। ये इसमें कहां से डाल दिया तुमने? क्या मैंने ये तुम्हारे में आया, ये कहां से आया, इसमें क्या बोलते हैं, स्पेशल एडिशन, स्पेशल कस्टम मेड मैक्रोनी। ये पिकनिक वाला पता नहीं कहां से आ गया, इसमें कस्टम मेड फॉर साहिब नूर सिंह। भाई टीना के हाथ का खाना खा के माँ का सम बता रहा, मजा आ गया।
मैनू पंजाबी नहीं आंदी जुलूस कटता गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सारे। तो बस अभी गाइस सुबह सुबह उठा हूँ, एडिटिंग करी है, और सुबह उठा तो क्या सरप्राइज मिला कि मेरे सपोर्टर्स आ रखे थे मिलने। यार मतलब कितना अच्छा लगता है ना जब लोग इतना सपोर्ट करते हैं। अब मेरा क्या सीन है, कोई भी सपोर्टर आता है ना तो भाई हम तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे हमारे भाई हैं, क्योंकि देखो यार जो आज हम हैं मतलब कुछ भी हैं वो आप लोगों के चक्कर में है, उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है यार। और गाइज आज जो पिछला व्लॉग था उसके जो टॉप 3 कमेंट्स थे ना तो वो मैं पढ़ने लगा हूँ। वैसे कमेंट्स तो सारे ही अमेजिंग होते हैं, मतलब मेरा बस चले ना मैं सारे के सारे कमेंट्स डाल दूँ, पर यार टॉप 3 कमेंट्स पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज जो पहला कमेंट है वो है रोबोट्रॉन देव का, ऑडियो क्वालिटी लेवल्ड अप, क्रिस्प एंड बेस, एंड गोप्रो एंड फॉर गोप्रो यू कैन गो फॉर अ चेस्ट माउंट। दे मैं शॉर्टली एक चेस्ट माउंट प्रेफर करूंगा, बट थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं, अभी पहले वो जो गोप्रो वाला शौक है ना हेलमेट लगा के वो पूरा कर लूँ, उसके बाद बाकी हम पूरा करेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड कमेंट है वो है डेविल गेमिंग विदांत का, हे ब्रो आई थिंक यू द बेस्ट यूट्यूबर, यू हैव एन अमेजिंग पर्सनालिटी एंड द वे यू स्पीक ऑलवेज विंस द हार्ट ऑफ योर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच डेविल गेमिंग विदांत, इट मीन्स अलॉट भाई। और जो थर्ड कमेंट है वो है रोहित बंसल भाई का, लोग कहते ने साहिबनूर है डरदा, मैं क्या शेर गिद्दा च नहीं रलदा, उन्हें अपनी पहचान आप बनाई है, हुन ओ लोके दे लोक का दे दबाए तो नहीं दबदा। थैंक यू सो मच रोहित भाई, क्या लिखा है भाई, मतलब मजा आ गया। लव यू प्रा, गोना टच मोर सक्सेस इन फ्यूचर। सो थैंक यू सो मच यार जिसने कमेंट किया, तो ऐसी सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। तो आज के व्लॉग को ही एंड करते हैं, आई लव यू ऑल।